me Sayyid Muhammad Asanada from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 1.5. The statement of the question is a certain journey by train takes 5 hours at a speed of 45 km per hour. What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? Yani, एक ट्रेन है जो कि 5 hours में एक डिस्टेंस जो है वो कवर करती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अगर यही डिस्टेंस उसे कहा जाए कि वो 3 किलोमीटर में वो इतने ही सेम डिस्टेंस कवर कर जाए तो उसे किस स्पीड पर चलना होगा, ये बेसिकली स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले तो जो है ना वो स्पीड क्योंकि फाइंड आउट करनी है तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है ना वो एक्स है. जिस स्पीड पर वो चलेगी और 3 hours में ये जो है ना ये इस फासले को तय कर लेगी. तो यहाँ पे 2 variables हैं, एक टाइम और एक स्पीड. टाइम उसने जो है वो 5 hours का लिया और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली. अब स्पीड उसकी एक्स हो तो वो 3 hours में यही सेम जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर जाएगी. तो प्रोपोर्शन की फॉर्म में इसे लिखा तो ये 3:5:45:x. सो 3 डिवीजन के फॉर्म में 3/5 = 45/x. यहाँ डिनोमिनेटर में x डिवाइड हो रहा है सो इक्वल साइन के साइड पर आके x मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 × x = 5 × 45 क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है सो इक्वल साइन की साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 45 × 5 यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो यहाँ पे 225 / 3 और 3 जब इसके साथ डिडक्ट होगा तो आप 75 किलोमीटर पर आवर. सो अगर वही ट्रेन 45 किलोमीटर की बजाय 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो जो डिस्टेंस वो 5 hours में वो कवर करने वाली थी वो 3 hours में वो कवर कर जाएगी. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट टू एनी आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम. थैंक यू वेरी मच.